तो शुरुआत करेंगे जोशीमठ की खबर के साथ। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जोशीमठ पहुंचकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और प्रभावित लोगों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार पूरी तरह से नगरवासियों के साथ खड़ी है, साथ ही प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में धैर्य रखने की आवश्यकता है। जोशीमठ में भूधसाव को लेकर सरकार गंभीर है, हमारी सरकार ने यहां पर तत्काल एक्शन भी लिया है, भारत सरकार ने भी इस समस्या का संज्ञान लिया। विशेषज्ञ वैज्ञानिकों की ओर से जोशीमठ में भूधसाव कारणों का अध्ययन किया जा रहा है। समस्या का पता लगने पर सब लोगों के सुझाव और सहमति लेकर उचित समाधान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने लोगों से धैर्य रखने की अपील भी की। इस आपदा की घड़ी में पूरी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हम जोशीमठ वासियों के साथ खड़े हैं और जो संभव होगा वो सब किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी यहाँ का दौरा करके चले गए हैं और पुनर्वास के लिए सभी लोगों से लगभग 625 परिवारों का पुनर्वास करने की बात हो रही है। आज मैं सारे कैंपों में भी गया हूँ, लगभग 67 परिवारों को देखने में खुद गया हूँ और मैं कह सकता हूँ कि राज्य सरकार जो है जो भी संभव होगा वो पूरा काम करेगी और यहाँ के लिए भारत सरकार की भी टीम आ गई। आज पूरा सर्वे होगा और सर्वे के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्य के संदर्भ में PMO भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से वार्ता हुई है और जैसे जानकारी आ रही है कल हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इस क्षेत्र में आएंगे। सबसे पहले ढूंढनी पड़ेगी बीमारी, आखिर किस कारण ये हो रहा है। तो आज भारत सरकार के जो भूगर्भीय सर्वे के जो सारे विशेषज्ञ हैं वो यहाँ आ रहे हैं और एक दो दिन के अंदर पूरा विषय क्लियर होगा। अभी प्रथम जो हमको लगता है सबसे पहले लोगों को विस्तार मूलभूत सुविधा को उनको देना, ये लक्ष्य के साथ सरकार काम कर रही है और मुझे बताते हुए खुशी है कि मुख्यमंत्री जी होंगे, आज हमारे प्रभारी मंत्री जी आए हैं। जो मेरा भी काम था क्षेत्र का पूर्व प्रतिनिधि होने के नाते मेरा पहले काम था पहले सबसे पहले कुछ चीज़ लोगों तक पहुँच जाए।